नमस्कार हॉट सक्स में आपका स्वागत है मैं हरा राजीव बाजार ने आज अच, अच्छी शुरुआत की थी यूरोप ने इस अच्छी शुरुआत का मज़ा कर घिरा कर दिया और बाद में दोपहर बाद खास तौर पे मुनाफा वसूली उभर आई और हमें अंत में लाल निशान भी देखने को मिला हालांकि सेंसेक्स में हल्का सा नुकसान जबकि निफ्टी को देखें तो वो हरे निशान में ही रहा बंद जो हुआ हरे निशान में हालाँकि वो एडजस्टमेंट की वजह से रहा क्योंकि अगर वैसे देखें तो जब तीन तीस पर बाजार बंद हुआ था उस समय निफ्टी लाल निशान में ही था लेकिन एडजस्टमेंट के बाद जो फिगर आई उसमें चौदह अंक ऊपर नजर आया निफ्टी सात हज़ार पाँच सौ तेरह इसका बंद स्तर आखिरकार लेकिन सेंसेक्स पाँच अंक नीचे ही फेडरल रिजर्व ने संकेत दिया था कि भाई ब्याज दरें जितनी बढ़ानी थी पहले उनका जो अंदाज़ा था उसके मुकाबले कम बढ़ाया जाएगा इस बात से अमेरिकी बाज़ार में खुशी थी लेकिन वो खुशी बाद में टिक नहीं पाई तो अब आगे क्या रुख रहेगा बाजार का यहाँ के संकेत क्या हैं और आगे क्या रणनीति होनी चाहिए चुनिंदा शेयरों में आप किस तरह से मुनाफा कमा सकते हैं अपनी जो पहले से होल्डिंग है उसके बारे में क्या रणनीति अपनानी चाहिए इन सब पे बात करेंगे प्रदीप सूर्य का हमारे साथ हैं आज के मेहमान के तौर पर साथ ही साक्षी भी होंगी चुनिंदा मौके बताने के लिए कि अगले दिन मुनाफा कहाँ कमा सकते हैं प्रदीप जी सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे बाज़ार की अभी तक की चाल खासतौर पर बजट के बाद से जो है वो एक तरह से पॉजिटिव चाल है उसमें बीच बीच में ठहराव आ रहा है कंसोलिडेशन कहीं पर आ रहा है लेकिन कोई बड़ी मुनाफा वसूली या कह लें कि ठीक है आ, ऐसा कुछ संकेत नहीं बन पा रहा है जिससे बजट के बाद की चाल को सिर्फ एक पुलबैक समझा जाए ना कि एक दिशा बदलने की चाल आ, एफ़ लगातार खरीदारी कर रहे हैं आज एक बार फिर से उन्होंने खरीदारी की है साढ़े सात सौ करोड़ रुपए के आसपास की और जब तक उनकी ये खरीदारी टिकी हुई है तब तक भारतीय बाज़ार का फिर से नीचे की ओर ज़्यादा जाना शायद मुनासिब नहीं होगा मुमकिन नहीं होगा तो इस समय क्या लग रहा है आपको बाज़ार की दिशा को लेकर के बड़ा अंदाज़ा मोटा अंदाज़ा क्या है बड़ी तस्वीर क्या है इसमें देखिए बड़ी तस्वीर की अगर आप बात करें तो इसको तीन नजरिए से देखना पड़ेगा राजीव जी ये बात ठीक है बजट के बाद जो अपने तीन वीक से एक शो कर रहे हैं इसी शो में यही बात कर रहे हैं कि पचहत्तर सौ सत्तर और छिहत्तर सौ ये बहुत स्ट्रांग रेसिस्टेंस है और देखिए हम इसको तीन हफ्ते से पार नहीं कर पा रहे बजट के बाद सेंटिमेंट बढ़ा बदला है एफ का रुझान बदला है उनका विश्वास थोड़ा सा बदला है उसी का ये नतीजा है कि हम 10 परसेंट तक का मूव ऑलरेडी देख चुके हैं और वो अभी भी बाहर है ये बात ठीक है और संभावनाएं भी बहुत अधिक है कि अगर ये कंसोलिडेशन में हम बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाते हैं यहाँ थोड़ा समय और इस रेंज में भी बिता लेते हैं तो ऊपर के ब्रेकआउट की संभावनाएँ बहुत बन जाएगी और अभी एक ट्रिगर है हमारे पास इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करने के लिए वो है आर का रेट कट होना वो प्राय प्राय निश्चित है अब केवल ये देखना है कि इस भाव में वो रेट कट डिस्काउंट हो चुका या रेट कट के बाद बाजार एक उत्साह में और आएगा तो ये अभी देखने वाली बात हो जाएगी जहाँ तक यहाँ पे अड़सठ सौ से लेकर के छिहत्तर सौ की रैली में हमने ये दो या तीन दिन में बार बार ये ऊपर से सौ पॉइंट का जो करेक्शन देख रहे हैं ये ठीक एक टेक्निकल करेक्शन हो रहा है चौहत्तर के आसपास आप देखिए पूरे इस मूव का तेईस हम करेक्ट करके अभी उसके नीचे नहीं जा रहे हैं तो दो बात एक बहुत साफ हो रही है कि हम एक रेंज में हैं उस रेंज में टेक्निकल करेक्शन पूरा कर चुके हैं ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस फेस कर रहे हैं जिसको पार करने के लिए एक ट्रिगर चाहिए अब रहा सवाल कि आज जो आप बात बोल रहे हैं कि यूरोप के बाजार ने मजाक कर दिया वो यूरोप के बाजार ने नहीं किया आज एक देखिए बाजार ने अपना अलग दिखाया जैसा हम कहते हैं न्यूज आने के बाद में आप सेल कर दीजिए तो एक तो वो हुआ कि न्यूज आई और बाजार में सेल आउट आया दूसरी वो न्यूज कोई उतनी बढ़िया नहीं थी ठीक है कि यूएस फेड ने कहा है कि हमरेट उतनी स्पीड से नहीं बढ़ाएंगे चार बार नहीं बढ़ाएंगे दो बार नहीं बढ़ाएंगे दो बार बढ़ाएंगे वो जिन सब बातों का ये डिस्काउंट था तो आज इतना उत्साह से सौ पॉइंट ऊपर खोल देने का मतलब ही कहीं समझ में आ रहा था कि बाजार में ऊपर मुनाफा वसूली आएगी और खोलने के बाद कि जो हाई बना उसी हाई पे रह गए एक आश्चर्य की बात जरूरी है इतना उत्साह के बाद हम 100 पॉइंट गए क्यों ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा जी तो अभी आपको यही देखना है राजीव जी 7400 और 7600 इस रेंज में कोई बुरी खबर नीचे ले जाती है या अच्छी खबर ऊपर ले जाती है जी